तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल के दो नाबालिग छात्रों के बीच शुक्रवार दोपहर हुए विवाद में एक छात्र ने दूसरे को चाकू मार दिया, जिसकी रात को इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया है। घटना विवेकानंद स्कूल की है। यहां 12वीं में पढ़ने वाले 17 वर्षीय समर्थ कुशवाहा निवासी गोमा की फेल को उसके जूनियर ने शुक्रवार दोपहर चाकू मार दिया। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 9 बजे समर्थ की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक समर्थ ने 11वीं में पढ़ने वाले आरोपी नाबालिग छात्र का स्कूल में ही सिगरेट पीते हुए वीडियो बनाया था, जिससे वह नाराज था। इसी विवाद में हत्या होना बताया जा रहा है। मर कायम किया हुआ है, जिसमें मृतक का नाम समर्थ कुशवाहा है। ये विवेकानंद स्कूल का छात्र है, 12वीं कक्षा का, और इसके साथ में स्कूल में पढ़ने वाला, इसको इसकी मृत्यु चाकू लगने से हुई है। क्या विवाद का कारण आया? इसके स्कूल में जिसका एक दोस्त था, उसके साथ में पढ़ता था, और ये सिगरेट पीने की बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था। मारपीट हुई, मारपीट के बाद में इसको चाकू लगा।